मेरे पीछे जो साइट है ये प्रीमियर चॉइस ने एक्वायर की है और इसके ऊपर डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी है। ये 17 कनाल के ऊपर मुश्तमिल एक 18 स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है। ये एक DHA1 का ग्रैंड प्रोजेक्ट होगा क्योंकि 83 कनाल्स का प्रोजेक्ट एक्वायर करना और इतनी उनकी अपनी साख तो कि लोग उस पर बिलीव करें, उसमें इन्वेस्ट करें, और जिनकी एक हिस्ट्री और डिलीवरेंस की वो किसी और के पास नहीं है, ट्रस्ट मी। बल्कि मैं एक्चुअली ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये चैलेंज भी है कि मुझे फाइंड मी गुड अपार्टमेंट्स इन DHA1 और DHA2। DHA2 में भी कोई अच्छा अपार्टमेंट नहीं है और DHA1 में भी नहीं। हाँ, चैलेंज है। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम DHA1 के अंदर खड़े हुए हैं और जैसा कि आप सबको मालूम है कि DHA1 के अंदर अभी तक कोई भी बड़ा कमर्शियल जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पिंडी इस्लामाबाद के वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स इन द टाउन हैज़ एंटर्ड DHA1 नाउ। और मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पीछे जो साइट है ये प्रीमियर चॉइस ने एक्वायर की है और इसके ऊपर डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी है। ये 17 कनाल के ऊपर मुश्तमिल एक 18 स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है। ये एक DHA1 का ग्रैंड प्रोजेक्ट होगा जो कि आपके देखते ही देखते जो है वो पाए तकमील तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। इसके अंदर आपको जो है वो दो किस्म की डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अंदर आपको जो है कमर्शियल्स भी मिलेंगे और उसके अलावा आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे। और मैं इसके अंदर आपको बताता चलूँ, ये इतना बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 3 टावर्स बन रहे हैं आपस में, ग्लास जो ब्रिजेस हैं उसके थ्रू जो है वो ये कनेक्टेड होंगे। इसकी तस्वीर भी आप मेरे साथ जो है वो स्क्रीन पे देखेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मेगा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको DHA की अलॉटमेंट के साथ मिलेगी। सबसे प्राइमरी बात ये कि आपको DHA की अलॉटमेंट मिलेगी। सो दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिए। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दिस इज। ये 83 कनाल, टोटल 83 कनाल के ऊपर ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि DHA1 के अंदर बनने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, DHA1 के अंदर अभी भी कोई भी इतना बड़ा कमर्शियल नहीं है, एक्चुअली DHA2 में भी नहीं है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और मेगा प्रोजेक्ट है। प्रीमियर चॉइस से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं कि उनकी डिवेलपमेंट और डिलीवरेंस की एक बड़ी लंबी दास्तान है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं। लेकिन इवन देन मैं एक सरसरी सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। प्रीमियर चॉइस ने अभी तक 6 से 7 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं बहरिया टाउन के अंदर। और मैं आपको बताता चलूं, जिसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं, रोमन ग्रोव है, रिवर लॉफ्ट है, रिवर हिल्स है, 68 हाई स्ट्रीट है, बॉक्स पार्क है, बॉक्स पार्क 1 है, बॉक्स पार्क 2 है, ग्रैंड गैलरी है और एंड सो ऑन। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और टाइम से पहले तैयार हो चुके हैं। आजकल के हालात के अंदर भी ये डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं ये करना कोई आसान काम नहीं है। इस मुश्किल हालात के अंदर भी डेवलपमेंट जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। तो हमें इधर जो है ना डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और डेवलपर की जो साख्त है उसके बारे में तो बिल्कुल भी दो राय नहीं है। ये सबसे बड़ा डेवलपर है इन ट्विन सिटीज़ के अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये एक बिल्डिंग बनने जा रही है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना वुड बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और इसको बिल्कुल भी मिस मत करें। अस्सलामुअलैकुम जैन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले जैन का इंट्रोडक्शन करा दूं। जैन प्रीमियर चॉइस के उभरते हुए एक सितारे हैं। ये बेसिकली प्रीमियर चॉइस के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये आज प्रीमियर चॉइस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमें बताएंगे कि क्या बनने जा रहा है। ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो इतनी बड़ी खुदाई लगी हुई है, ये क्या सीन है?
तो जैन जरा बताएं आप प्रोजेक्ट के बारे में से। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो आपने काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया है, लेकिन मैं प्रीमियर चॉइस के एंगल से आपको बता दूं कि प्रीमियर चॉइस ने, आपको पता है कि एक बहुत ही प्राइम डिलीवरी के साथ, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की प्राइम डिलीवरी के साथ इधर खड़े हुए हैं, जिसमें आप पहले मेंशन कर चुके हैं मेरे प्रोजेक्ट्स के नाम। ग्रैंड ऑर्चर्ड्स की अगर बात की जाए तो ग्रैंड ऑर्चर्ड अपनी नौयत का एक वाहिद प्रोजेक्ट है, DHA-1 और DHA-2 में भी आप कह सकते हैं। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम लेके आ रहे हैं, 3 टावर हैं जिसके नीचे 4 फ्लोर हमारे जो हैं वो कमर्शियल के हैं, उसके ऊपर जो 5वें फ्लोर से लेके 18 और 19 फ्लोर तक है आपका सारे का सारा रेजिडेंशियल आ जाएगा। अब इन 3 टावर्स में से एक टावर के अंदर एक सरप्राइज़ है, वो भी इंशाल्लाह सर आपके साथ बहुत जल्दी जो है वो डिस्क्लोज करेंगे। उसको एक आपको मैं बताऊँ, 5-स्टार इंटरनेशनल होटल जो है ना वो चेन आएगी इंशाल्लाह, वो अभी इन द प्रोसेस है, सो वी डू नॉट वॉन्ट टू नेम इट राइट नाउ, बट सून इंशाल्लाह जो ही वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे, बट रेस्ट अश्योर्ड कि वो लाजिम है कि वो आने लगा है। और एक बहुत बड़ा नाम है और जो कि पिंडी इस्लामाबाद में पहले भी कहीं नहीं है, सो इंशाल्लाह वी हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेज इन दिस प्रोजेक्ट। अच्छा बिलाल भाई, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि DHA में ये प्रोजेक्ट अपनी नौयत का यूनिक प्रोजेक्ट क्यों है। आपने देखा होगा कि DHA में इतनी बड़ी लैंड पहले तो किसी डेवलपर ने एक्वायर नहीं की, ये 83 किनाल की लैंड है जो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली एक्वायर कर ली है। उसके बाद हमारा काम कंस्ट्रक्शन का ज़ोरों शोर से जारी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट की या हाई रेज प्रोजेक्ट की जो कि गीगा मॉल और सेंटोरस टाइप के सेंटोरस के लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी यहाँ पे ज़रूरत कैसे महसूस हो रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि आप विद इन अ विसिनिटी आप देख लें, ये रोड मोरगा को टच करता है, ये DHA को कवर करता है, ये बहरिया को कवर करता है, उसके साथ GT रोड एडजेसेंट में है, तो ये सारी वैसिनिटी के अंदर रफली आप अंदाज़ा लगाएं ना बिलाल भाई, तो तकरीबन 14 से 15 लाख की पॉपुलेशन है। बिल्कुल। और ये जो इंटरेस्ट है, ये जो बहरिया के DHA-1 की, ये जो DHA-1 की इंटरेस्ट है, हमने एक कैलकुलेशन की थी, मैंने और अयान एक सर्वे किया था, उसके मुताबिक हमें पता चला कि डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 50 से 60 हज़ार गाड़ी इन और आउट हो रही है। और आप देखें पाकिस्तान के हालात, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे और हालात बेहतर करे, आए रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आए रहते हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, फला मसला हो रहा है, लोग जो है वो बाहर नहीं जा सकते घरों के, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ के साथ हम गेटेड कम्यूनिटी के अंदर ही लेके आ रही हैं कि वट एवर द सिचुएशन इज, ये हमारा एक सक्सेसफुली रनिंग चलता हुआ कमर्शियल साइड। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखें DHA-1 जो है ना वो प्लॉटों के हवाले से ना, आप एक दफ़ा सर्वे करेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि प्लॉट बहुत ज़्यादा खाली नहीं है। प्लॉट लेना, घर बनाना, उसके ऊपर हर बंदे के बस के अंदर ये होता भी नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर ना आपको, बल्कि मैं एक्चुअली ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये चैलेंज भी है कि मुझे फाइंड मी गुड अपार्टमेंट्स इन DHA-1 और DHA-2। DHA-2 में भी कोई अच्छा अपार्टमेंट नहीं है और DHA-1 में भी नहीं है। हाँ, चैलेंज है ये, क्योंकि हम लोग काम करते हैं ना, हमें फ़ोन आता है, हमें डेली फ़ोन आता है कि जी हमें यहाँ अपार्टमेंट चाहिए, हमें यहाँ अपार्टमेंट चाहिए, हमारी फैमिली यहाँ है, तो है ही कोई नहीं। हमें पता है कि कहाँ ढूंढना है, नहीं मिलता, बहरिया में मिलता है। तो ये भी एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें DHA में कोई चीज़ दें, बिल्कुल, तो भाई जान यही चीज़ है DHA में जो आपको मिलने लगी है, और ये भी ना ली ना तो बस फिर आयाशी। बिलाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा वॉइड था DHA की कम्युनिटी के अंदर, ये कमर्शियल इतने हाई लेवल का कमर्शियल जो कमर्शियल के अलावा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ही नहीं है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं है, कमर्शियल नहीं है। अच्छा, उसको उस वॉइड को पूरा करने के लिए प्रीमियर चॉइस ने एक बहुत बड़ा और बड़ा ब्रेव स्टेप लिया है, जिसकी मिसाल, जिसकी जो हकीकत है वो आपके सामने आ रही है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे नजदीक ना ट्विन सिटीज के अंदर कोई और डेवलपर ये काम नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि 83 कनाल्स का प्रोजेक्ट एक्वायर करना और इतनी उनकी अपनी साख्त हो कि लोग उस पर बिलीव करें, उसमें इन्वेस्ट करें, और जिनकी एक हिस्ट्री हो डिलीवरेंस की, वो किसी और के पास नहीं है। ट्रस्ट मी, ये प्रीमियर चॉइस के पास ही ये अथॉरिटी थी और एक इतनी क्रेडिबिलिटी है कि दे कैन ईजिली अचीव दिस। तो इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि सेल्स भी कितने तरीके से आ रही हैं, और आप लोग बिलबोर्ड्स भी देख रहे हैं लगे हुए पूरे शहर में भरे हुए हैं। तो अच्छा, मुझे जैन भाई आप ये बताएं
कि ये प्रोजेक्ट जो है आपने बता दिया कि 18 स्टोरीज है, इसके अंदर कोई फैसिलिटीज एमिनिटीज के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? हाँ जी, इसके अंदर हम हर किस्म की मॉडर्न फैसिलिटीज़ को लेके आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी इटसेल्फ DHA सिक्योर्ड कम्युनिटी सेंटर है हमारे यहाँ हमारी वैसिनिटी के अंदर। दूसरे नंबर पर हमारे प्रोजेक्ट्स की प्रीमियर चॉइस के प्रोजेक्ट की अपनी एक RFID कार्ड सेटअप होता है हर प्रोजेक्ट का, तकरीबन हम नए आने वाले सारे प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं। 4-layer सिक्योरिटी है। उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो जो रेजिडेंसी ऊपर अच्छा, की है, सॉरी मैं बीच में बात कर रहा हूँ, देखें अक्सर ये होता है हर प्रोजेक्ट में हम सुन रहे होते हैं जी हम 4-layer सिक्योरिटी लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और अक्सर बंदे को सुन के लगता है यार ये बातें सारे करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी आपको मैं बताऊं कि प्रीमियर चॉइस ने ये पहले चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं। पहले इंप्लीमेंट करना और दोबारा इंप्लीमेंट करने में ना, या पहली दफ़ा इंप्लीमेंट करने में बड़ा फ़र्क है। प्रीमियर चॉइस पहले ही ये सारी चीज़ें दुबई और इंटरनेशनली इंप्लीमेंट करके अब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो इट्स नथिंग न्यू फॉर देम। हमारे लिए ये चीज़ें नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल मार्केट में ये चीज़ें नहीं है। बिल्कुल आप अपनी जगह पे बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी आके कह दे कि हम 4-layer सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं, फ्लाई अमेनिटीज लेके आ रहे हैं, फ्लाई अमेनिटीज, थोड़ी सी बातें हवाई लगती हैं। एग्जैक्टली, बाग लगते हैं, लेकिन प्रीमियर चॉइस के लिए ना ये काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ी हकीकत है, क्योंकि हम दुबई में भी डिलीवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में भी डिलीवर कर चुके हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स की मिसाल आपके सामने है, कमर्शियली अगर देखा जाए तो बॉक्स पार्क, 68 हाई स्ट्रीट और ग्रैंड गैलरी जो फेस 7 में ग्रीन वैली के अपोजिट साइड पे, पूरी फूड स्ट्रीट हम लोगों ने डेवलप किया। अच्छा, इसके अंदर आप DHA की अलॉटमेंट भी दे रहे हैं। हाँ, और ये कितने अरसे का पेमेंट प्लान है? बिलाल भाई, पेमेंट प्लान इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है इसके अंदर। अच्छा, बड़ी खुशी की खबर है। वो ये कि दुबई में या बाहर के इंटरनेशनल कम्युनिटीज में आपने देखा होगा कि अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनमें पेमेंट प्लान इस तरह से एडजस्ट होता है कि इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट आपको यूनिट की कीज़ मिलने के बाद भी आप कुछ अरसा इंस्टॉलमेंट डेवलपर को पे कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट लेवल डेवलपर एंड से और क्लाइंट एंड दोनों एंड से बहुत हाई होता है। पाकिस्तान में हमें थोड़ी सी ये चीज़ें फेस करना पड़ती है कि ट्रस्ट लेवल जो है ना क्लाइंट का इटसेल्फ डेवलपर के ऊपर और डेवलपर का क्लाइंट के ऊपर थोड़ा सा उससे कंपैरिजन किया जाए अगर बाहर से तो वो कम है, लेकिन प्रीमियर चॉइस एक बहुत बड़ा ब्रेव स्टेप ले रहा है। ये टोटल 5 साल का आपका पेमेंट प्लान दे रहा है, 4 साल में आपको डिलीवरी दे रहा है। पहले 4 साल आपकी इंस्टॉलमेंट चलेंगी, उसके बाद आपको कीज़ मिलेंगी, आफ्टर दैट 1 साल मजीद आपकी इंस्टॉलमेंट चलेंगी। आप इसमें अपनी रिहाइश रखें, इसको रेंट आउट कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं एज ए कमर्शियल, तो उसके साथ साथ आप अपनी इंस्टॉलमेंट भी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी एक एडवांटेज है, उधर से आप अर्न करें और उसी चीज़ को आप जो है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है। तो आप मुझे थोड़ा सा, अगर हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर क्लाइंट्स, थोड़ा सा गाइड करें कि इसके अंदर जो है वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बता दें। बिलाल भाई, बहुत खुशी की खबर ये है कि आप छोटी सी अमाउंट में इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर अपना यूनिट बड़ी आसानी से बुक करवा सकते हैं। आप खुद भी हैरान होंगे कि इतनी छोटी अमाउंट के ऊपर कैसे। मैं आपको बताऊं तो इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी, हम 3 million से इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर अपना यूनिट जो है वो बुक करवा सकते हैं। बस ये सुनते सारी आप हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे हमारा नंबर भी दिया हुआ है। As low as 3 million rupees अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन बी पार्ट ऑफ एन 83 करनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रैंड प्रोजेक्ट जो कि ग्रैंड ऑर्चर्ड के नाम से DHA 1 के अंदर है, राइट नेक्स्ट टू द गेट, ठीक है, जो GT रोड की तरफ गेट है उसके बिल्कुल साथ है। हॉस्पिटल फौजी फाउंडेशन का वो आपके साथ है, शिफा हाई हॉस्पिटल साथ है, सदर, बैरिया टाउन, DHA, मतलब यू विल बी इन द सेंटर ऑफ द सिटी एक्चुअली। सो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहीं मिलना जो है वो मुश्किल है, और इतने कम पैसों में। और इसके अंदर 1 bed, 2 bed, 3 bed, 4 bed ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। ऑफिसेज भी हैं, शॉप्स भी हैं, फूड कोर्ट भी है, पूरा का पूरा जो है ना ये एक बेसिकली आप यूं समझे कि एक प्रॉपर जो है ना वो इकोसिस्टम टाइप बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर हर किस्म की फैसिलिटी, जिमनेजियम, फिटनेस क्लब है, स्विमिंग पूल्स हैं, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर स्विमिंग पूल है इसके अंदर। सर्विस डिपार्टमेंट जिनको हम बता रहे हैं आपको कि बेसिकली वो फॉर सेल नहीं होंगे, वो एक प्रॉपर एक 5-star इंटरनेशनल होटल चेन आएगी। और ये एक दिस इज़ मेगा प्रोजेक्ट दैट इज़ हैपनिंग इन DHA 1 राइट नाउ। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मेगा प्रोजेक्ट, डू गिव अस अ कॉल। थैंक यू वेरी मच जैन, आपने हमें गाइड किया।